सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे यूट्यूब चैनल देसी ढाबा को। सब्सक्राइब के पास बेल आइकन को दबाएं जिससे आपके पास हमारी नई वीडियो पहुंच सके। जिन्होंने हमारे चैनल को देखा है और सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना मुकेश देसी ढाबा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हांडवो बनाना बता रही हूँ और इसका एक तरीका बिल्कुल हटके है, बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊंगी कि इंसेंट बनेगा ये, तुरंत बनाकर हम इसे तुरंत खा सकते। तो चलिए हम देख लेते हैं हम इसकी तैयारी करना कैसे है। देखिए, एक कटोरी तो हमें बेसन लेना है, ये बारीक रवा है, एक कटोरी बारीक रवा लेना है। चावल का आटा है, एक कटोरी चावल का आटा लेना है। देखिए, आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है, प्याज को और ये लौकी को, ये तीन सब्जियां हम मिला रहे हैं। चाहे तो आप गाजर, पत्ता गोभी, जो सब्जियां आपको अच्छी लगे, समय पे मिल जाए वो आप मिला लीजिए। अब हम इसमें अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को, तीनों को हमने साथ में पीस लिया है। ये थोड़ा सा मोटा मोटा दरदरा पीसा है, इसको मिला लेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक, देखिए इतना खाने का सोडा लेना है, एक चम्मच के अंदाज में तेल। अब हम इसमें दही मिक्स नहीं करेंगे, हमें ये मठा लेना है। मठा लेना, ये कंपनी की बात नहीं कर रही, जो आपके आसपास में मठा मिल जाता है, इसका टेस्ट बहुत बेहतर रहता है जो पैकेट वाला मठा रहता है। घर का मठा यूज मत करिए इसमें प्लीज, थोड़ा सा डाल रहे हैं, यदि जरूरत पड़ेगी तो और डाल लेंगे। हाँ ठीक है, ये मठा हमने एकदम खट्टा वाला लिया है, खट्टा मठा ही हमें यूज करना है। अब और मठा मिला लेते हैं। देखिए, जैसे इडली का घोल गाढ़ा रहता है ना, इसी प्रकार इसका घोल हमें इतना गाढ़ा रखना है। दो तीन मिनट हम इसे हल्के हाथों से चला लेंगे। अब हमने इसे दो से तीन मिनट अच्छी तरह से चला लिया है, अब इसे हम बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। और एक बात और, जैसे हमें इंसेंट बनाया ये हांडवो, यदि आपको रखना है तो आप रख के भी इसको 6 से 8 घंटे तक रखकर फिर बना सकते हैं। अब हम 15-20 मिनट इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब 20 मिनट बाद हम इसे खोल लेते हैं। अब हम थोड़े से सूखे मसाले ऐड कर लेंगे, ये हल्दी है, कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा, इतना करीब हमने 1/4 चम्मच समय डाला था और अभी हम इतना और खाने का सोडा ऐड कर ले रहे हैं। 1/4 चम्मच हम इसमें हींग डालेंगे। अब इसे हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हांडवो का घोल इतना गाढ़ा हमें रखना है। अभी हमने जो सूखे मसाले ऐड किए थे उसी के साथ हमें शक्कर डालना रहेगी। अब हम तड़का तैयार कर लेंगे और तेल अभी हमें इसमें थोड़ा ज्यादा लेना है। तेल गरम हो गया है, राई डालकर थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए, अब हमें गैस यहाँ पर बिल्कुल मंदा कर देना है। इतनी हम राई लेंगे, अदरक, हरी धनिया, हरी मिर्च का पेस्ट भी ले लेंगे इसमें। ये है चिली, चिली डालेंगे, मीठी नहीं सूखी, मीठी लेंगे। इतने मसाले के हिसाब से सिर्फ हम नमक लेंगे। एक तड़का बनकर तैयार हो गया है, अब हम आधा तड़का एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये हम हांडवो छोटे साइज में आपको बनाना बताएंगे और ये हमने तड़का जो है इसका आधा निकाल लिया है। अब हमें देखना है कि हमें इस साइज कितना रखना है।
आंच बिल्कुल अभी मंदी है और हम इसे सिकने देंगे और इसको हम ढक देते हैं। चार से पांच मिनट बिल्कुल मीडियम आंच में हम इसे सिकने देते हैं। करीब चार से पांच मिनट बाद हम इसे खोलकर देख रहे हैं और ये तड़का जो है हमने बचाया था, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। अब हम इसे वापस फिर ढक देंगे तीन से चार मिनट के लिए। अब हम वापस से इसे खोलकर देखते हैं और अब हमें इसे पलटना रहेगा। तो ये थोड़ा सा जो ज्वाइंट हो गए हैं तो इसको हम थोड़ा सा पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद पलट लेंगे। वाह, देखिए बहुत अच्छे सिक गए हैं। अब हम वापस से इसे फिर ढक देंगे। अब हम इसे वापस से खोलकर देखते हैं और ये सिक गए हैं। ये अच्छी तरह से सिक गए हैं। अब हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं, देखिए बिल्कुल भी नहीं फंस रहा है, क्लियर है। अब हम गैस बंद करके इन्हें निकाल लेते हैं। अब हम एक बड़ा साइज का हांडवा बनाएंगे तो इसमें हम थोड़ा सा तड़का डाल देते हैं। इसे हम बिल्कुल मध्यम आंच में पांच मिनट के लिए करीब ढक देते हैं। देखिए अब हम इसे चेक करते हैं नीचे कंडीशन क्या है। बहुत अच्छी तरह से हो गया है पर इसका साइज बहुत बड़ा है तो इसे थोड़ा सा हमें केयर पूरी तरीके से निकालना पड़ेगा। इसे हमें बहुत सावधानी से पलटना रहेगा। तो अभी हम इसे बिल्कुल आराम से उठा रहे हैं। बहुत डर लग रहा था पलटने में, पर बहुत ही अच्छे तरह से पलट गया है और देखिए कितने अच्छे से सिका है। अब हम इसे फिर से ढक्का रख देंगे। मैंने जितनी भी तरफ से देखा है बिल्कुल क्लियर आई है, ये सिक गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे आराम से निकाल लेते हैं। देखिए हमने कटर से हांडवी को काट लिया है और बहुत ही सॉफ्ट बनी है, अंदर से क्रिस्पी बनी है। दोस्तों दोनों साइज में हमने आपको हांडवो बनाना बताया है। आपको जो साइज अच्छा लगे, छोटा या बड़ा, आप जरूर ट्राई करें और एक लाजवाब रेसिपी का आनंद लें। मैं एक नई वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। नमस्कार दोस्तों।